हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12। जो चैप्टर हम अभी कर रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो उसका एक और टॉपिक आज हम करेंगे और टॉपिक का नाम है मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट। ये एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर मैनेजर्स कमीशन क्वेश्चन में रहा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वही आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो मैनेजर्स कमीशन एक्चुअली क्या है? मैनेजर को कभी कभी उसको इनक्रेज करने के लिए कि वो अच्छा काम करे, अच्छा सेल करे, जो भी है अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे, उसके लिए नेट प्रॉफिट में एक कमीशन का सर्टेन परसेंटेज दे दिया जाता है, ठीक है। तो इससे ये बेसिकली इसलिए दिया जाता है ताकि मैनेजर्स जो है प्रॉफिट इंक्रीज करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो उन्हें कमीशन भी मिलेगा। तो ये जो कमीशन है ये दो तरीके से पे किया जा सकता है। एक को हम कहते हैं ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, अगर हमारा ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो इन दैट केस जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले वो है नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100। मान लीजिए कि 55,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, 55,000 का प्रॉफिट है और बोला है मैनेजर्स को 10% जो है इसमें क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। एंड एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो उस केस पे आप मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट 55,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है, 10/100। तो ये 0 0 कट करके ये हो जाएगा ₹5,500। बहुत ही सिंपल है, आपको खाली याद रखना ये वाला वर्ड में याद रखना, अगर बिफोर चार्जिंग है तो ये वाला फॉर्मेट डालना है। अब अगर मान लीजिए कि आफ्टर चार्जिंग, दूसरा जो मैंने बोला ना दो तरीके से पे किया जा सकता है, इन टू वे से, दूसरा तरीका है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। यहाँ पर होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100+ रेट। तो इसी को मान लेते हैं, तो इसमें अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 55,000 इंटू रेट बाई 100+ रेट, ठीक है। अगर आफ्टर बोला है ना तब ये चीज़ करना है, बिफोर अगर बोला है तो नहीं करना है। तो 55,000 इंटू 10/ ये हो जाएगा 100 एंड 0 टेन काट जीरो दो आठ आप, दो ये 55 जा 55 55। जीरो तो दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है वो थोड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें जो कमीशन देना पड़ता है वो थोड़ा कम देना पड़ता है, ठीक है। 5,500 ये 5,000, क्योंकि हमने सेम अमाउंट में चेक किया तो यहाँ से मिल रहा है। नाउ अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एंड उस क्वेश्चन में भी करके देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अनु एंड बुनु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। दो पार्टनर्स हैं अनु एंड बुनु, एंड उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 दिया हुआ है। फाइव और कैपिटल क्या है, एक का 5 लाख है और एक का 3 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें कितना परसेंट दिया जा रहा है, 6% पर एन, ठीक है। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। बी को बोला कि एनुअल एक सैलरी मिलेगा 60,000 का ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। द प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू ₹1,80,000, ठीक है। क्या बोला गया इसमें, इस लाइन पे ध्यान देना, बोला ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 द प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले, लेकिन बी के सैलरी को चार्ज करने के बाद, बोला ना आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी कितना है, 1,80,000। तो अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। तो मैनेजर का जो है एक 5% कमीशन उसके लिए रखना है, ये भी बोला गया। बट यहाँ पर ये वर्ड मेंशन नहीं है आफ्टर या बिफोर, तब जब अगर ये वर्ड मेंशन नहीं है तो हम लोग को बिफोर ही करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोला, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। आपको यहाँ पे क्या बनाने के लिए बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है और
पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो चलिए क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लीजिए एंड नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन का, ठीक है। तो क्वेश्चन को साइड में रख लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। एंड पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, फॉर्मेट ये रहा, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस साइड में क्या होता है, इधर पे होता है डेबिट एंड यहाँ पे होता है राइट साइड में होता है क्रेडिट। अमाउंट के कॉलम में हमको रुपीस लिखना है, ये तो माइनर चीज है, ये सब नहीं गलती करना, ठीक है। अभी एक एक करके एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डालते हैं, प्रॉफिट को डालते हैं, नेट प्रॉफिट को, ठीक है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट डालने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, प्रॉफिट हम डाल रहे हैं यहाँ पे 2,28,200, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर अगर देखेंगे प्रॉफिट कितना बोला गया है, प्रॉफिट बोला गया है 1,80,000। तो हम लोगों ने क्यों 2,28,200 लिया, तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ और इसका कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 प्रॉफिट प्रायर टू, ड्यूरिंग द ईयर 2019 प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी के सैलरी को चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट है। दैट मीन्स ये नेट प्रॉफिट वो नेट प्रॉफिट नहीं है जो आपका हमारे यहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए। कौन सा वाला है, इसमें बी का सैलरी ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है, तो बी का सैलरी अगर ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है तो हमको एक्चुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो बी के सैलरी बी का सैलरी चार्ज करने से पहले प्रॉफिट रहा है। प्लस उसमें हम लोग को क्या करना है कि मैनेजर्स को जो कमीशन देना है उसको भी माइनस कर देना है। क्यों माइनस करना है मैनेजर का कमीशन, क्योंकि मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, वो कहाँ आता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे ये फिगर पे हम लोग आए हैं, ठीक है। तो ये है इसका कैलकुलेशन, ये वर्किंग्स आपको नीचे दिखाना होगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले हमने क्या ले लिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी बट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, बी के सैलरी देने के बाद, ठीक है, आफ्टर बी सैलरी लेकिन मैनेजर्स कमीशन चार्ज करने से पहले कितना प्रॉफिट है, 1,80,000 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी का जो एनुअल सैलरी है उसको ऐड कर देंगे, बी का एनुअल सैलरी है 60,000, हमने ऐड कर दिया। अभी ये क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर बी सैलरी, पहले आफ्टर था इसलिए हमने ऐड कर दिया, अभी बिफोर बी सैलरी एंड मैनेजर्स कमीशन 2,40,000। अभी इसमें हम लोग मैनेजर्स कमीशन चार्ज करेंगे, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन क्या करना है, लेस करना है, तो लेस 12,000, तो 2,40,000 में से आप 12,000 को लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2,28,000। नाउ क्वेश्चन इज 12,000 कहाँ से आ गया सर, 12,000 तो यहाँ दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो 12,000 हमने कहाँ से निकाला, देखो इसका कैलकुलेशन यहाँ शो कर दिया है। मैनेजर्स कमीशन यहाँ पे मैंने क्या बोला, आफ्टर या बिफोर कोई वर्ड यूज नहीं किया, तो हमको बिफोर ही लेना है अगर ये दोनों वर्ड यूज नहीं किया है। तो प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया, 2,40,000 निकल के आया ना, तो नेट प्रॉफिट 2,40,000, इसमें जो मैनेजर्स कमीशन दिया हुआ था वो 5% दिया हुआ था, इसलिए 5/100 हमने लगा लिया। अब इसका कैलकुलेशन करो, आप कैलकुलेशन करोगे तो मिल जाएगा आपको कितना, 12,000, और उस 12,000 को हमने यहाँ से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो है 2,28,000, जो कि हमने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रखा है, ठीक है। समझ में आ गया, तो जो कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया वो रफ कर नहीं है, वो सॉल्यूशन का पार्ट है, वो आपको नीचे एज ए वर्किंग नोट शो जरूर करना है, ठीक है ना। इसके बाद टू बी सैलरी, अभी हम इस साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो यहाँ करते हैं एंटर, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो टू बी सैलरी कितना, 60,000, बी का देखो एनुअल सैलरी दे दिया 60,000, अगर मंथली सैलरी देता तो हम 12 से इंटू करके लिखते, लेकिन यहाँ पे दे दिया है एनुअल सैलरी, तो बी का सैलरी हमने डाल दिया 60,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में यहाँ पर देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आ रहा है 30,000 और बी का आ रहा है 18,000, कैसे आ रहा है, चलिए देखते हैं कैलकुलेशन इसका भी। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखिए, ए का कैपिटल है 5 लाख और 6% पर एनम बोला गया, और बीच में कैपिटल चेंज भी नहीं हुआ, तो 5 लाख × 6/100 कैलकुलेशन करिए, 30,000 आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी 3 लाख × 6/100 18,000 आएगा। तो 30,000 यहाँ डाल दिया हमने ए में और बी में डाल दिया 18,000, तो 30,000 + 18,000 टोटल कितना हो जाएगा,
48,000 जो हमको यहाँ पे डालना है, ठीक है, ये अंडरलाइन कर दिया एंड इसके बराबर में यहाँ पे टोटलिंग किया। उसके बाद और कुछ इसमें है नहीं एडजस्टमेंट, तो अभी हम लोग सीधे क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में वो निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना बचा है वो निकालने के लिए पहले दोनों साइड हम लोग कंपेयर करेंगे। तो देखो ये साइड ज्यादा है, तो इस साइड का टोटल हमने लिख लिया नीचे 2,28,000, ठीक है, ये टोटलिंग हमने कर लिया 2,28,000, डबल लाइन कर दो। अब यही टोटल क्या होगा आपका, इस साइड में भी आ जाएगा यही टोटल, ये टोटल इस साइड में आ जाएगा 2,28,000, हमने इस साइड में लिख लिया। इसका बैलेंसिंग कर देंगे अभी, ये 2,28,000, ठीक है। अब अगर आप इसका बैलेंसिंग करेंगे कैसे, 2,28,000 से ये दोनों को माइनस करिए, तो देखिए आपको जो वैल्यू मिलेगा वो है 1,20,000, यानी कि ये 1,20,000 अभी पार्टनर्स अनु और बुनु में, यहाँ पे मैं ए और बी यूज कर रहा हूँ आपको, लेकिन पूरा लिखना है अनु एंड बुनु, ठीक है, ए ए अनु बी बुनु। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कितना कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, ये देखो 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो ये 1,20,000 को 3:2 में बांट देते हैं। अनु को कितना मिलेगा, 3,20,000 इंटू 3/5, ठीक है, तो ये 3/5 अगर से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 5×6 30 एंड 5×4 20 000, ठीक है। और बुनू का कितना होगा, बुनू का होगा 3,20,000 इंटू 2/5, तो इसका भी हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,64,000 है ना, 5×6 30, 5×20 000, अब 3×64,000 एंड 2×64,000, ये दोनों जो है ये अनु का और बुनु का प्रॉफिट होगा। तो सॉरी 3,20,000 पे हमने कैलकुलेशन कर दिया, ये 1,20,000 होगा प्रॉफिट, 1,20,000 है ना, यहाँ पे देखो 1,20,000 आया हुआ है, तो 1,20,000 पे कैलकुलेशन करना होगा, वही मैं सोच रहा हूँ इतना ज़्यादा कैसे आ गया। नाउ तो फिर ये कैलकुलेशन मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। आप समझ ही गए होंगे क्या करना था, जस्ट 1,20,000 की जगह मैंने 3,20,000 ले लिया, इसलिए अमाउंट थोड़ा ज़्यादा आ गया। तो 1,20,000 इंटू 3/5, 5×10, 5×4 20 000, तो 24,000 इंटू 3, ये वैल्यू आ जाएगा 1,20,000 इंटू 2/5, ठीक है, तो 24,000, तो ये हो गया 48,000, तो ये दोनों मिलके कितना आ गया, 1,20,000 आ गया, ठीक है, ये इनर कॉलम में लिख रही है, अनु का प्रॉफिट है, ये बोनू का प्रॉफिट है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ इसमें मैनेजर्स कमीशन हमने कहाँ पे यूज किया, आपने ध्यान दिया, मैनेजर्स कमीशन ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कहीं पर भी नहीं आया, लेकिन इस जगह पे हमने यूज किया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन है कि मैनेजर्स कमीशन तो यहाँ एंट्री नहीं किया, तो मैनेजर्स कमीशन यहाँ एंट्री नहीं होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन में शो कर दिया है इसको, तभी तो ये प्रॉफिट यहाँ पे 2,28,200 है ना। नेक्स्ट आप इसमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलिए ये हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है, वो फॉर्मेट में हम डालेंगे, यहाँ पे आएगा डेबिट, यहाँ पे आएगा क्रेडिट, अनु का यह अमाउंट है, ये बोनु का अमाउंट है, इधर पे भी अनु का अमाउंट बोनु का, ठीक है। तो एक एक करके एंट्री में बताता हूँ कैसे करना है। पहले आपको ये वाला एंट्री लेके आना है, ये बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, जो बैलेंस है कैपिटल का उसको दिखाना है, बैलेंस कितना कैपिटल का, देखो 5,00,000 एंड 3,00,000, तो हमने 5,00,000 एंड 3,00,000 ये ले लिया, ठीक है, जस्ट एंट्री कैपिटल अकाउंट में एंट्री करने डाल डाल एकदम दोनों के। दूसरा एंट्री आ रहा है हमारा सैलरी अकाउंट, सैलरी दोनों पार्टनर को नहीं मिला है, सिर्फ किसको मिला है, सैलरी सिर्फ मिला है बुनू को, उसका एनुअल सैलरी कितना था, 60,000, तो इसलिए इस कॉलम में लिखा है, ये कॉलम में डैश दे देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा सैलरी वाला एंट्री। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो अनु को मिला है 30,000, बुनु को मिला है 18,000, तो उस यहाँ पे डाल दिया हमने। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, तो प्रॉफिट जो ट्रांसफर है उसको भी लिख दिया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अनु का 72,000 और बुनु का 48,000, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करना है हमको, और कुछ आइटम नहीं है जो इस साइड में हम डाल पाए, हम लोग का अभी क्या करना है, इसका टोटलिंग करना है, तो इसका टोटलिंग करेंगे तो इस वाले का आएगा 4,26,000 और इसका आएगा 6,02,000,
ठीक है, यही टोटल हम क्या करेंगे, यही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद इसके बाद ये बैलेंसिंग करेंगे, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। टू बैलेंस सीडी कितना आएगा इसका, 6,02,000 और 4,26,000। तो ये है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो इस बार आज के क्लास में मैं सॉल्यूशन को ऑलरेडी टाइप करके लेके आया, क्योंकि इससे मैंने देखा टाइम थोड़ा सा क्लास में सेव हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने देखा, चाहे जितने भी क्वेश्चन हमने किए कितना इजी क्वेश्चन है, अगर अच्छे से ध्यान से सारे एडजस्टमेंट को समझ ले और सिस्टमेटिकली एक के बाद एक एंट्री जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा करे, तो आपका कहीं पर गलती होने का चांसेस नहीं है। एक और बात है, प्रैक्टिस करना होगा, जो हर क्लास में बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जिसके पास जो बुक है, एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आज के क्लास में एक क्वेश्चन था। देन जितना भी कैलकुलेशन मैंने दिखाया वो यहाँ पर है, क्योंकि ये सॉल्यूशन के नीचे होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कैलकुलेशन मैंने ऐसे ही शो किया, ऐसे शो नहीं किया है, कैलकुलेशन आपको रखना पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें जैसे इजी था, ये छोटा छोटा कैलकुलेशन आप अवॉइड कर सकते हैं, मैंने तो ये आपको समझाने के लिए दिखा दिया। लेकिन इतना छोटा कैलकुलेशन अगर है जो आप माइंड में ही कर सकते हैं, वो सब कैलकुलेशन पे आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। तो मैनेजर्स कमीशन भी मैंने आज सिखा दिया है, नेक्स्ट क्लास से एक्सपेक्टेड है कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड आपसे मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज़ प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना क्वेश्चन हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।